हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच किया अनिवार्य। यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर देनी होगी जानकारी। केंद्र ने सभी राज्यों को जारी किया दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सुविधा दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया। मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और परिवार पेंशन भोगियों के लिए पेंशन में किया सुधार। अरुणाचल प्रदेश के उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी गेतो सोरा ने मलेशिया के कुआलालंपुर में 9 वर्ष से कम आयु वर्ग की श्रेणी में टॉप अरीना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतकर एक बार फिर बढ़ाया देश का गौरव। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दी बधाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि चीन में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर अनिवार्य किया गया है। श्री मांडविया ने कहा कि भारत आने के बाद संक्रमित पाए जाने पर इन लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड को लेकर सतर्क है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठा रही है ताकि देश में कोविड के मामलों में वृद्धि न हो। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के प्रबंधन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए अपने पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा है। कोरोना महामारी न फैले उसको ले सतर्कता बरतना हमने चालू कर दिया है। जिस तरह से चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को आरटीपीसीआर कंपलसरी करेंगे, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर देंगे और इंडिया में आने के बाद किसी को बुखार मालूम पड़े या तो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो तुरंत ही हम उसको क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी करने जा रहे हैं ताकि देश को कोविड महामारी के सामने हम बचा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सुविधा दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सब्सिडी पर खाद्यान्न पाने वाले 81 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को अब मुफ्त में अनाज मिलेगा। इस पर 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अनुसार जो अनाज लोगों को देती है उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये
अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था एक साल के लिए, अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और परिवार पेंशन भोगियों के लिए पेंशन में सुधार किया है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि अब पूर्व सैनिकों और परिवार पेंशन धारकों की संख्या बढ़कर 25,13,000 से अधिक हो जाएगी। फिलहाल इनकी संख्या 20,60,000 है। उन्होंने बताया कि इस पर प्रतिवर्ष 8,450 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। संशोधित पेंशन का लाभ 1 जुलाई 2019 से मिलेगा। पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन वर्ष 2018 में समान रैंक वाले और समान सेवाकाल वाले अवकाश प्राप्त सैनिकों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर नए सिरे से निर्धारित की जाएगी। उनके फैमिली पेंशनर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है वन रैंक वन पेंशन का, उसकी रिवीजन का। अब 30/6/2019 तक सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनर्स की पेंशन को इस प्रकार से रिवाइज किया जाएगा कि उन्हें कैलेंडर वर्ष 2018 में समान रैंक तथा समान सेवा अवधि के बाद सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की औसत पेंशन के बराबर पेंशन मिलेगी और यह रिवीजन 1/7/2019 के प्रभाव से लागू होगा। जो पेंशनर्स इस औसत से अधिक पेंशन प्राप्त कर चुके हैं उनकी पेंशन उसी दर पर मिलती रहेगी। ये फैमिली पेंशनर्स, वॉर विडोज एवं दिव्यांग पेंशनर्स की पेंशन भी इसी प्रकार रिवाइज की जाएगी। अरियर का भुगतान जो है वो 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा, लेकिन फैमिली पेंशनर्स और स्पेशली एंड लिबरलाइज फैमिली पेंशनर्स तथा गारंटी अवार्ड विजेताओं को अरियर्स एक ही इंस्टॉलमेंट में भुगतान किया जाएगा। जिन डिफेंस पर्सनल ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से प्री मैच्योर सेवानिवृत्ति ली है उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी गेतो सोरा ने मलेशिया के क्वालालंपुर में 9 वर्ष से कम आयु वर्ग की श्रेणी में टॉप अरीना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतकर एक बार फिर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने मलेशिया के दूसरी वरीयता प्राप्त जेरिल ते को लगातार सेटों में 21-5, 21-16 से हराकर खिताब जीता। अरुणाचल प्रदेश के सोरा ने 2 महीने में यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। नवंबर में 7 वर्षीय सोरा ने थाईलैंड के बैंकॉक में BTY योनेक्स सिंघा चैंपियनशिप जीती थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गेतो सोरा को बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश को आपके प्रदर्शन पर नाज है। भारतीय सेना के गजराज कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग जिले के यांगसे में मेजर बॉब खतिंग की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने अग्रिम सीमा क्षेत्र में तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। गौरतलब है कि वर्ष 1950 में असम के तत्कालीन राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के डायरेक्टर सुपरविजन में एक ऑपरेशन के बाद तवांग को भारत में मिलाया था। सीमा सड़क संगठन BRO ने प्रोजेक्ट ब्रह्माक के तहत अरुणाचल प्रदेश के सुदूर सीमांत क्षेत्र में मिंगिंग तूतिंग रोड पर 45 मीटर लंबे PSC सीमर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। BRO ने रिकॉर्ड 180 दिन में टीम भावना का परिचय देते हुए उच्च गुणवत्ता के साथ पुल का निर्माण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 27 दिसंबर को 27 आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें मिंगिंग तूतिंग रोड पर बना PSC सीमर ब्रिज भी शामिल है।
उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि बागवानी और पशुपालन क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है। पापुमपारे जिले के बंदरदेवा क्षेत्र में मेगा फूड पार्क और ग्रीन गोल्ड इंटीग्रेटेड फार्म स्थल का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री मेन ने कहा कि मेगा फूड पार्क के विकास में सरकार हर संभव सहायता कर रही है और इससे युवाओं के लिए फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री तागे ताकी, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, उद्योग मंत्री तुमके बागरा, विधायक तानाहाली तारा, ईटानगर के मेयर तामे फसांग सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जो फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क है, वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो रोड कम्युनिकेशन अप्रोच रोड है और वाटर सप्लाई है, ये स्टेट गवर्नमेंट को देना है। जो रोड अप्रोच रोड है हमने दे दिया, बन चुका है। वाटर सप्लाई बन रहा है, अभी पानी का व्यवस्था बन रहा है। अभी इलेक्ट्रिसिटी भी जो पावर सब स्टेशन है और बन रहा है, मैंने देख के आया। और बाकी जो भी सुविधा, थोड़ा मोड़ा जो सुविधा जो देना है, वो सरकार पूरा का पूरा मदद करेगा। और हम चाहते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लागू की जा रही योजनाओं के सकारात्मक परिणाम अरुणाचल प्रदेश दिबांग वैली जिले में देखने को मिल रहा है। कोविड महामारी से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र को गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे देखो अपना देश मुहिम से लोगों में अपने देश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को देखने की जिज्ञासा बढ़ी है। अरुणाचल प्रदेश सरकार भी राज्य के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों को एक दूसरे की कला, संस्कृति और रहन सहन के बारे में रूबरू कराने के लिए देखो अपना प्रदेश अभियान के लिए प्रोत्साहन दे रही है। सीमांत जिला दिबांग वैली के अनिनी नगरीय क्षेत्र और गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ने को प्राथमिकता दिए जाने से देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटकों के लिए यह पसंदीदा पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। नहीं आ पाए तो अब टाइम मिल गया, कोविड भी कम हो गया, तो ये जगह सबसे अच्छा लगा कि मतलब इतना नेचुरल है, इतना जो नेचर है यहाँ पे, तो थोड़ा साफ सुथरा भी मिलेगा, एटमॉस्फियर एकदम क्लियर है, नेचुरल है, प्योर एटमॉस्फियर है। तो पोस्ट कोविड स्टेट में यहाँ आने इससे बेटर जगह तो हो ही नहीं सकते। वेलकम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इट्स वेरी गुड, नाइस सीइंग दिस अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ऑफ अनिनी एंड रोइंग एंड टम्बलिंग वाज अ वेरी गुड थिंग यस्टरडे, वी हैव सीन दैट एंड मयूरिया पास, वंडरफुल एटमॉस्फियर। Sir, tough terrain and happy that roads are being built very nicely. मैं तिनसुकिया का रहने वाला हूँ, तो मैं और मेरी वाइफ एंड कुछ दोस्त यहाँ अनिनी घूमने आए थे। बहुत पीसफुल एरिया है, लोग बहुत फ्रेंडली है, हेल्पफुल नेचर है सबका, एंड फूड इज़ वेरी ऑसम। आई सजेस्ट सब भी आए, और आप भी आए प्लीज़, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ स्टे करिए। हाय, मेरा नाम अरूप है। हम लोग गए पहले वहाँ पे अनिनी में, वहाँ पे हमने होम स्टे किया, वहाँ पे अनिनी हट में। उसके बाद हम आगे गए असेचोगर के जगह है जो आगे तक जाता है इंडो टिबेटियन बॉर्डर तक, पूरा जा नहीं पाए, काफ़ी हम लोग लेट हो गए थे, तो लेकिन बहुत अच्छी जगह है मतलब वहाँ पे असेचोगर के। फिर वहाँ पे काफ़ी सारा कुछ है, कीवी गार्डन्स है, काफ़ी कुछ है वहाँ पे घूमने के लिए। फिर सेवन लेक्स का ट्रैक भी है वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी जगह है वहाँ पे वो चीज़। तो हम हैदराबाद से आए हैं और यहाँ भी शहर घूमे हैं, और अच्छा है यहाँ पर। अच्छी बात यह है कि यहाँ प्रदूषण वगैरह बहुत कम है, स्कोप तो बहुत है अभी। मतलब एक बार आप ये तीन चीज़ें ले आएँ, बिजली, इंटरनेट और रहने की व्यवस्था, तो अपने आप जो है मतलब टूरिज्म आ ही जाएगा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे जगह हैं यहाँ पर घूमने के लिए कि लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो लोग तो यहाँ बहुत ही अच्छे हैं। अब हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई चोरी चकारी नहीं होती है। हमारा कुछ सामान रह गया था कार में, और टैक्सी वाला स्वयं लेकर आ गया और हमारे जहाँ ठहरे थे वहाँ पर लेकर आ गया, तो ये अनुभव बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए। हम लोग
होटल 62। तो हम लोग आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। इस दिन का मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। इसे मनाने की शुरुआत 24 दिसंबर 1986 से हुई। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। साल 1991 तथा 1993 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व्यापार और उद्योग के शोषण के खिलाफ उपभोक्ताओं को अधिकार देता है। इस अधिनियम के मुताबिक हर वो व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है वे उपभोक्ता है। भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक संदेश में कहा है कि उपभोक्ता अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार है और सरकार उनके हितों के रक्षा के प्रति वचनबद्ध है। चौबीस दिसंबर साल 2000 से भारत में पहली बार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून बनाया था। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने शुक्रवार को लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक में मतदाता सूची रिवीजन 2023 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने शत प्रतिशत योग्य युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए चुनाव अधिकारियों से सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों से युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्य सौरभ सहित कई अधिकारी मौजूद थे। अपर सियांग जिले के सीली विलेज में शुक्रवार को लगाए गए सेवा आपके द्वार शिविर में 415 लाभार्थियों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का मौके पर लाभ उठाया। इस शिविर में बैंकों सहित सरकार के 20 विभागों ने सीली, येगिंग, जेरू, पादू और कतांग विलेज के लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक किया। राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश के लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विश्व में सुख शांति और आपसी भाईचारे की कामना की है। राज्यपाल ने कहा है कि क्रिसमस लोगों को मानवता की सेवा का संदेश देता है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र सहित अरुणाचल प्रदेश के सभी हिस्सों में क्रिसमस के उपलक्ष्य में गिरजाघरों को सजाया गया है और विशेष प्रार्थना आयोजित की जा रही है। विधायक निनोंग इरिंग ने प्रदेश के लोगों को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए समाज के सभी वर्गों की खुशहाली की कामना की है। और भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर हो, मंगलमय हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नव वर्ष का और इस बड़ा दिन क्रिसमस का आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम कैथेड्रल के ओर से आप सबको, सारे दुनिया को जो यीशु को जानते हैं, यीशु को मानने वाला को भी हम आप लोग को हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, नहीं भी मानने वाला को, क्योंकि प्रभु यीशु ने इस दुनिया को सृष्टि किया है तो हम सबों का प्रभु है, इसलिए आप सबको हम हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।